एंड लॉस पार्ट 44, ये बतलाओ 10% हानि 20% लाभ, इसमें क्रय मूल्य कितना और विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 रुपया क्रय मूल्य, 90 रुपया विक्रय मूल्य। और इसमें? इसमें 100 रुपया क्रय मूल्य, 120 रुपया विक्रय मूल्य। कोई शंका नहीं ना है? प्रश्न में है, एक दुकानदार को 855 रुपया में एक ट्रांजिस्टर को बेचने से 5% की हानि होती है। यदि 5% लाभ प्राप्त करना हो तो उसे कितने में बेचा जाए? एक दुकानदार को 855 रुपया में एक ट्रांजिस्टर को बेचने से, 855 रुपया में ट्रांजिस्टर को बेचा है तो ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य होगा 855 की विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होगा, ट्रांजिस्टर का विक्रय मूल्य 855 रुपया, जिसमें इसको 5% हानि पर बेचता है, 5% हानि का अर्थ क्या हुआ? 100 रुपया में 5 रुपया की हानि, यानी 100 रुपया का सामान कितना में बेचो? 95। 100 माइनस 5 यानी 100 में खरीदो, 5 रुपया कम, 100 माइनस 5 95 में बेचो, तो बेचने वाला दाम विक्रय मूल्य, खरीदने वाला क्रय मूल्य, तो यह इतना ही में क्लियर है। अगर 100 रुपया क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 100 माइनस 5 यानी 95 रुपया, 5% हानि का यह ना हुआ। इसका अर्थ हुआ 100 रुपया क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 100 में 5 यानी 100 माइनस 5 रुपया बराबर 95 रुपया हुआ। अब निकालना क्या है? तो ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 855 है, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य 95 रुपया है तो क्रय मूल्य 100 रुपया है, जो निकालना है उसको आगे कर दो। इसमें ट्रांजिस्टर का विक्रय मूल्य है, हमें क्रय मूल्य निकालना है। यदि 95 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य 100 रुपया है, यदि 95 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य 100 रुपया है, इसीलिए 1 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य 100/95 रुपया होगा, कट जाएगा 5 से, 19 × 5 = 95, 20 × 5 = 100 यानी 20/19 रुपया, इसीलिए विक्रय मूल्य है कितना ट्रांजिस्टर का 855, इसीलिए 855 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना? 20/19 × 855 रुपया कटेगा, 19 × 76 9, 19 × 5 = 95, 45, 20 × 45 रुपया यानी 45×2 = 90, 900 रुपया हो गया। अतः ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य बराबर 900 रुपया।
यानी 900 रुपया में ट्रांजिस्टर को खरीदे थे, 855 रुपया में बेच दिए। यदि 5% लाभ प्राप्त करना हो तो उसे कितना में बेचा जाए? ये तो 900 रुपया में खरीदे हो, अब 5% लाभ यानी 100 रुपया में 5 रुपया लाभ चाहिए, तो 900 में निकल जाएगा। अब 5% लाभ पर बेचना है, उतारो पहले इसको। अब देखो 5% लाभ पर बेचना है ना, तो ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य निकल गया है, क्योंकि 100 रुपया में 5 रुपया लाभ लेना है, क्योंकि 100 रुपया में 5 रुपया लाभ लेना है, इसीलिए 1 रुपया में 5/100 कट करके हो गया 20, 1/20 रुपया लाभ लेना है। दाम कितना है? 900 क्रय मूल्य, इसलिए 900 में 1/20 गुने 900, 0 0 कट गया, 45 × 90 45 रुपया लाभ लेना है। तो रेडियो को कितना में बेचा जाएगा? ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य 900, लाभ हो गया 45 रुपया। अच्छा, ट्रांजिस्टर का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, 900 क्रय मूल्य निकला है, 900 रुपया जोड़ 45 रुपया बराबर 945 रुपया में बेचना है, समझ गया? चलो तब देखो इसमें रिक्त स्थान को भरना है, क्या होगा? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटा 1 ……। चलो इसमें ब्रेन लगाओ, क्या होना चाहिए तो इसको इसे समझो। मान लो 100 रुपया में 5 रुपया लाभ लेते हैं, तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? 100 रुपया में 5 रुपया लाभ, यानी 100 के लिए प्रतिशत, 100 में अंक पीछे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है ना, 5% लाभ, इसको कैसे लिखेंगे? तो 100 में 5 रुपया लाभ लिखते हैं ना, इसका अर्थ हुआ 5% लाभ का अर्थ 100 में 5 रुपया लाभ, यानी 100 रुपया हो गया क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? 100 रुपया क्रय मूल्य है, 5% लाभ लिए, तो विक्रय मूल्य इसका कितना होगा? 100 में 5 रुपया लाभ, तो 100 × 5 होगा ना, ये हो गया तुमको विक्रय मूल्य। इसका अर्थ है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ क्रय मूल्य पर लाभ, कितना प्रतिशत? तो 100 रुपया क्रय मूल्य है और 100 में 5 रुपया लाभ, यानी 100 का 5% लाभ,
तो इसको ऐसे लिखेंगे 100 जोड़ 100 का 5%, 5/100 होगा, समझ रहा है? अब डिटेल में जाए बोल, नहीं समझा। कराई मूल है 500 रुपया, समझा? लाभ हो गया 5%, तो विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य क्या होगा? भार। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ क्रय मूल्य का 5%। जो पूंजी लगाएंगे उसी पर न बेनिफिट लेंगे, तो क्रय मूल्य का 5%, लिखते हैं ना, क्रय मूल्य हो गया तुमको 500 प्लस 500 का 5%, ऐसे लिखेंगे। इतना ही पर ध्यान दो, जब इतना लिखेंगे मतलब ये जान गया ना, इसी के आधार पर आंसर भी निकल जाता है 500 जोड़ 500 का 5%, यानी 5/100। 2020 कट गया, 5 25, 500 525, ऐसा होता है। जब ऐसा होता है तो क्रय मूल्य का 5% लाभ है, तो लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, तो क्रय मूल्य गुने लाभ प्रतिशत, यानी 100 में कितना लाभ है, लाभ प्रतिशत का मतलब 100 में लाभ, तो मान लो 100 में लाभ, तो लाभ 5 रुपया है 100 में, तो 5% क्रय मूल्य का 5%, समझ रहे हो? तो इसको अगर तू इक्वेशन मान लो तो इसको अब हल करो। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्रय मूल्य जोड़ क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत बराबर, इसको पहले कर दिए, इसको आगे कर दो, समीकरण में तो ऐसा होता है, विक्रय मूल्य ऐसा लिख सकते हैं। और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, इतना लिख सकते हैं। क्वेश्चन को ही लो, इसको हम लोग तीखा गुना करेंगे, निकालना है कितना होगा, तो क्रय मूल्य गुने ये कॉस्ट होगा 1+... बराबर विक्रय मूल्य, इसी को हल कर रहे हैं, तो इसीलिए विक्रय मूल्य को पहले लिखेंगे बराबर क्रय मूल्य गुने 1+... इतना लिख सकते हैं, इसी को हल कर रहे हैं, कितना गुना होगा ना? अब कहो तो इसको हल करो, क्रय मूल्य को 1 से गुना करेंगे तो क्रय मूल्य जोड़ विक्रय मूल्य बराबर कितना होगा, क्रय मूल्य जोड़
क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, यानी क्रय मूल्य को एक से गुणा किया क्रय मूल्य, फिर प्लस खाली स्थान में क्रय मूल्य, और क्या होना चाहिए तो क्रय मूल्य तो लिख दिए का लाभ प्रतिशत, ये होता है ना फॉर्मूला में। खाली स्थान पर क्या होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट है, क्रय मूल्य से एक को गुना कर दोगे तो क्रय मूल्य, वास्तव में लाभ जो होता है तो विक्रय मूल्य बराबर जितना में खरीदे हो और प्लस जितना में खरीदे हो उसका कितना परसेंट लाभ हो रहा है। मान लो यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है तो 5%, तो प्रतिशत दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं नहीं दिया, इस खाली स्थान में भरना है, लाभ प्रतिशत होगा, इक्वेशन है, यानी ये फॉर्मूला से होता है ना जी, ये पढ़ाए है ना, विक्रय मूल्य बराबर जब बेनिफिट होगा लाभ होगा तो कितना पूंजी पर, अगर मान लो 500 रुपया तो पूंजी लगाया है और इसमें लाभ हो रहा है 5%, तो किस पर लाभ हो रहा है, लगाए गए पूंजी पर ना लाभ हो रहा है, तो 500 का अगर लाभ हो रहा है 10%, तो प्रतिशत की जगह देखो 50% लिखा हुआ है, लाभ हो रहा है 10%, 100 में 10, तो 500 में कितना, यानी हम लोग क्रय मूल्य पर ही हमेशा ना निकालते हैं, बेनिफिट 10%, 100 में 10, तो 500 में कितना, हाँ। यहाँ पर क्या होगा, लाभ, समझ गया, तो राम ने पता।